हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो आप सभी को पता होगा कि अब जो इस साल एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज़ सी पैटर्न में होगा तो so, 2020 थाउजेंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है सेमिस्टर फाइव का वो भी अभी एम सी क्यू पैटर्न में होगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो एक घंटे का होगा और ये एक घंटे में आपको फिफ्टी एम सी क्यूज़ दिए जाएंगे उसमें से फोर्टी एम सी क्यूज आपको अटैम्प्ट करने हैं और एक एम सी क्यू जो है वो वन एंड हाफ मार्क्स का होगा तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है या क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आएगा कि एम सी क्यूज का प्रिपरेशन कैसे करें तो डोंट वरी अबाउट दैट इस चैनल पे आपको सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अगले बार जब मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द चैप्टर्स बेसिक पॉइंट विच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज विच विल बी अपियर इन द एग्जाम तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं सेमिस्टर फाइव से रिलेटेड और टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद सेम वहां पर मैं इसका कंबाइंड पीडीएफ शेयर करने वाला हूं तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है बाय बैक के ऊपर आफ्टर बाई बैक द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड तो ध्यान रखना बायबैक जो चैप्टर है बायबैक ऑफ शेयर्स उसमें काफी सारे रूल्स है तो जो कंडीशंस है बायबैक के वो अच्छी तरीके से पढ़ के रखो वहां से आपका एम बन सकता है आफ्टर बाय बैक द डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड वन इज टू वन वन इज टू 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 इज टू थ्री या टू इज टू वन तो राइट आंसर फॉर दिस इज टू इज टू वन तो बायक के बाद आपका जो डेट और इक्विटी का जो रेशो होता है डेट मतलब यहाँ पे बोरोड फंड्स है इक्विटी मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स है उनका जो रेशो है वो टूस टू वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये रूल है ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन तो कंसॉलिडेशन और सब डिविजन ये दोनों कंसेप्ट आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में है तो द ऑप्शंस आर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल शॉर्टेज इन शेयर कैपिटल या नो चेंज इन द शेयर कैपिटल तो कंसॉलिडेशन और सब डिविजन से क्या होता है हमारे जो शेयर कैपिटल है वो अल्टर होता है हम हंड्रेड के शेयर्स को टेन रुपीज करते हैं या टेन रुपीज के शेयर्स को हम टू रुपीज करते हैं सिमिलर कंसेप्ट है तो दैट इज कंसॉलिडेशन एंड सब डिविजन तो इसमें क्या होता है शेयर कैपिटल को हम अल्टर करते हैं वी रेड्यूज द शेयर कैपिटल दैट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एस अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल नेक्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन अंडर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ शो किया जाता है इन टैंजिबल फिक्स इन द बैलेंस शीट टैंजिबल फिक्स असेट्स इन द बैलेंस शीट करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटीज तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है दैट इज कंसिडर एज इन टिबल फिक्स असेट्स इन द बैलेंस शीट नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस शेयर आर द शेयर्स विच आर इश्यूड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग बोनस शेयर्स किसे दिए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोथ एंड डिबेंचर होल्डर्स तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक सो आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा बोनस शेयर्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को मिलते हैं दैट मीन्स बोनस शेयर्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस होल्डर्स को कभी बोनस नहीं मिलता बिकॉज प्रेफरेंशेयर होल्डर्स को हमेशा हम फिक्स रेट ऑफ डिविडेंट उनको प्रोवाइड करते हैं उनको प्रेफरेंशियल उनके राइट जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज्यादा होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अ सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन सो इन दी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन चैप्टर हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है वो इसी अकाउंट के थ्रू हम एंट्री करते हैं एंड दैट अकाउंट इज नोन एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रिमे रिमेंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कैपिटल रिडक्शन को कैपिटल रिडम्शन मत कर देना बिकॉज एस वाई में आपने एक चैप्टर पढ़ा था रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर्स तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है रिडम्पन नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स में जाते हैं इफ़ असेट्स आर एप्रिसिएटेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड अगर आपके असेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा असेट्स का वैल्यू बढ़ना मतलब क्या होता है प्रॉफिट होना तो इसको आपको सिंपल रूल से याद रखना है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करना है और अगर आपका लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्या करना है आपको डेबिट करना है तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इफ द अट्स आर एप्रीसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड तो असेट्स का अगर एप्रिसिएशन होगा तो असेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा और अगर असेट्स की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएट होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा फर्दर इफ द प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इट इज कॉल्ड एस दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक्स इंटरेस्ट कोटेशन कम इंटरेस्ट कोटेशन बोथ ए एंड बी या सिंगल कोटेशन देखो अगर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की वैल्यू इंटरेस्ट की वैल्यू उसमें ऐड होगी तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कम इंटरेस्ट कोटेशन और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या था एक्स इंटरेस्ट रेफर्स टू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तो ये आपको ध्यान रखना है तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कम इंटरेस्ट कोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स बोनस शेयर या राइट शेयर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी कौन सा है डिबेंचर्स बिकॉज उस पर हमें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है आपने देखा होगा नाइन परसेंट डिवेंचर्स इलेवन परसेंट डिवेंचर्स तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा उसमें हमें नाइन परसेंट या जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज है उतना हमें डिविडेंट या उतना हमें इंटरेस्ट डिबेंचर्स होगा तो इंटरेस्ट है तो उतना हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में जाते हैं आई एफ आर एस स्टैंडस फॉर तो आई एफ आर एस का फुल फॉर्म क्या है इंडियन फाइनेंशियल रेस्पेक्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो ध्यान रखना राइट आंसर फॉर दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आई एफ आर एस तो आपको ध्यान रखना है जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वैसे ही फॉरेन के आई एफ आर एस है जिसको अभी हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है शनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एस पर सी एस आर पॉलिसी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी इट इज मैंडेटरी फॉर सम कंपनीज टू स्पेंड तो अभी आपने देखा होगा सी एस आर एक्टिविटीज करना कंपल्सरी हो गया है तो इसके लिए भी रूल है टू परसेंट ऑफ इट्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ट्री ईयर थ्री परसेंट ऑफ इट्स करंट ईयर फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट या टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट वन ईयर तो रिमेम्बर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अगर सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपके आपका प्रॉफिट काफी बढ़ रहा है तो उसके बेसिस पे आपका जो टू परसेंट ऑफ द प्रॉफिट है पिछले तीन साल का एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा उसके बेसिस पे जो टू परसेंट कैल्कुलेशन होगा वो आपको सी एस आर एक्टिविटीज में करना कंपलसरी जैसे आपने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा जैसे आपने लोगों के हेल्प के लिए कुछ एक्टिविटीज की सोशल कॉज के लिए कुछ एक्टिविटीज की तो उसके लिए आपको स्पेंड करना कंपलसरी बन जाएगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर टेन राइट आंसर

तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है वो कौन सा होता है वो होता है एएस एस थर्टीन ए थर्टीन इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन सेक्शन थ्री वन सेक्शन सिक्सटी सेक्शन थ्री या सेक्शन सेवेंटी तो राइट right आंसर इसका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कौन सा सेक्शन है सेक्शन 66 के बेसिस पे कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे सेक्शन 66 के बेसिस पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईएफआरएस। तो राइट आंसर फॉर दिस इज आई दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर देखते हैं द प्रीमियम रिसीव ऑन सेल ऑफ राइट्स इज क्रेडिटेड टू तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है जो प्रीमियम मिलता है आपको जब आप अपने राइट शेयर्स को बेचते हो दैट इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट या नन ऑफ दी अबाउ तो राइट right आंसर है वो क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन के बेसिस पे वो जो भी राइट right शेयर्स आप बेचोगे उसकी एंट्री हम इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग में नहीं करते उसकी जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा ट्रांसफर करते हैं पब्लिक डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन बैंक लोन या ऑल ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड लोन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं

जो अपना एथिक्स वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से तो आपको याद रखना है इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिट इज शोन एज तो आपको पता होगा प्रेफरेंस इज इन एरियर्स ऐसे एडजस्टमेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में बार बार आता है दैट इज नथिंग बट दैट इज द दाइबिलिटी और उसके लिए रूल है कि अगर हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो ही एंट्री होगा अदरवाइज उसका एंट्री नहीं होगा तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंट इज शोन एज आंसर है आपको भी पता चल गया होगा इंटरनल लाइबिलिटी सिक्योर्ड लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आर टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल फोर ऑफ़ दी कंपनीज़ एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन शेड्यूल सिक्स ऑफ दी कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन या नॉन ऑफ दी अबाउ तो इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाएंगे आपको ध्यान रखना है जो पहले हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे जो हॉरिजोटल फॉर्मेट था वो था शेड्यूल सिक्स ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के बेसिस पे लेकिन टू थाउजेंड थर्टीन का जो एक्ट बना उसमें वर्टिकल फॉर्मैट आया फाइनल अकाउंट्स या जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा यूज होता है शेड्यूल थ्री तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल है शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट दू तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट तो आपको अभी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें उनको भी एमसीक्यूज का प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको इस चैनल पे पूरा मिल जाएगा और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज की सीरीज में ला रहा हूँ तो आपको क्या करना है लास्ट मिनट रिविजन भी दारे सेम टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पे आपको सारे पी मिलेंगे सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो वीडियो को अभी लाइक करें और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ इसी तरीके से आपको इस चैनल पर वीडियोज मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर